अब हम कंसेप्ट ऑफ टॉर्क और इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज के कंसेप्ट को यूज करते हुए बॉडीज का कुछ सिंपल एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैलकुलेट करेंगे। पहली बात आती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर उस बॉडी का पूरा वेट एक्ट करता है। दैट इज, अगर सिंपल टर्म्स में समझना हो, इफ आई हैव अ दिस बुकलेट, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर दैट इज आई कैन बैलेंस, वेयर दिस होल बुक कैन बी बैलेंस। सो द टिप ऑफ माई फिंगर ऑन टू दिस द होल बुक इज बैलेंस, दैट इज द सेंटर ग्रेविटी ऑफ दिस। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमने देखा कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब कैलकुलेट कैसे करते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिसके अबाउट जो है ना रोटेशन होगी और ना ही ट्रांसलेशन होगी। हमने उस पूरी पूरी बॉडी को बैलेंस कर दिया। अब इसका क्या मतलब है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। सपोज ये दो पार्टिकल्स हैं 10 kg 10 kg मास के, कनेक्टेड बाय मासलेस रॉड। और ये जो रॉड है, रॉड सपोज 20 meter की है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा, दैट इज कहाँ पर हम इसे बैलेंस कर सकेंगे? तो कॉमन सेंस सेज ऑब्वियसली बीच के पॉइंट पे, दैट इज 10 meter इधर और 10 meter इधर ही बैलेंस कर पाएंगे। हमने कहा नहीं, लेकिन हम तो कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं, हम कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं, तो हम वहां से हम आंसर निकालना चाहते हैं। तो पहले तो हमने कॉमन सेंस आंसर से हमें पता लग गया कि अगर दोनों के बीच में 20 meter डिस्टेंस है और दोनों का मास 10 kg 10 kg है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में बिल्कुल सेंटर में लाई करेगी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। किसके कंसेप्ट को यूज करेंगे? हम एक टॉर्क के कंसेप्ट को यूज करेंगे और इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, उन दोनों को चीजों को यूज करते हुए हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लेंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर आप पूरी की पूरी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, अबाउट विच नो ट्रांसलेशन नो रोटेशन। तो हमने कहा कि सपोज हमने इसे एक्स डिस्टेंस पर यहां से इसे बैलेंस कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम को। अगर ये एक्स हो गया तो ये लेंथ कितना हो गया, 20 - x होगी। और यहां पर इस पॉइंट हम बैलेंस कर रहे हैं, इसका मतलब दैट इज समेशन ऑफ फोर्सेस। पहले ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की बात करें तो इधर जो फोर्स लग रही है m into g 100 न्यूटन करते हैं, g को हमने 10 m/s कर लिया, इसका भी m into g 100 न्यूटन हो गया। सो क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम, दोनों पार्टिकल जो हैं ये यहाँ पर इस पॉइंट पर बैलेंस्ड हैं, इसका मतलब ये दोनों पार्टिकल सिस्टम पार्टिकल्स ना ऊपर की तरफ जा रहा ना नीचे की तरफ जा रहा, तो ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब समेशन ऑफ फोर्स अलोंग y एक्सिस 0 है, दैट इज नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस 0 है। इसका नीचे की फोर्सेस 100 + 100 = F है। दिस इंप्लाइज F = 200 N है, पहली चीज। दूसरा, हम किसी भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क लेते हैं क्योंकि ये किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रही है। हम एक्सिस चूज करने को ये भी चूज कर सकते हैं, ये भी चूज कर सकते हैं, ये भी चूज कर सकते हैं। लेट चूज दिस एक्सिस, यहाँ पे एक अननोन फोर्स वाला है, या अभी तो वैसे कैलकुलेट कर लिए, तो हमने सपोज यही हमने एक्सिस चूज कर लिया। तो अबाउट दिस, ये वाली फोर्स जो है, ये वाली फोर्स से इधर घुमाने की कोशिश कर रही है, टॉर्क ऑफ दिस फोर्स 100 N, हमने यहाँ पर इसे इसके अबाउट, वी आर टेकिंग द मूवमेंट अबाउट दिस एक्सिस। तो इस फोर्स का, ये लाइन ऑफ फोर्स एक्सिस से ही आ रही है, तो इस फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट तो जीरो हो जाएगा। अब ये वाली फोर्स देखें 100 N, ये से इधर रोटेट करने की कोशिश कर रही है, ये वाली 100 N इधर रोटेट करने की कोशिश कर रही है। इसका टॉर्क जो है एंटी क्लॉकवाइज और इसका टॉर्क क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो हमने कहा क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट द सेम एक्सिस। हमने कहा ले लिया टॉर्क अबाउट, लेट्स से टॉर्क अबाउट ये ओ ले लेते हैं, टॉर्क अबाउट ओ शुड बी इक्वल टू 0 फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट्स कितने 100 × 100 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन, कितना 20 - 20 - शुड बी इक्वल टू व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट 100, दिस इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन, कितना हो गया x हो गया। तो यहां पे कितना हो गया 100 × 20 - 100x = 100x, तो 100 कॉमन ही निकल जाएगा, 20 - x = x, x = कितना हो गया 10 आ गया, x = 10 m हो गया, वही आंसर आ गया हमारा x = 10 m। अगर x = 10 m है तो ये भी 10 m हो गया। तो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस एंड से कितने 10 m पे, इसके एंड से भी 10 m पे ऊपर, तो हमें ये ट्रांसलेशन इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली हम जो है टॉर्क से इक्वेशन ले रहे थे, तो उससे ही हमारा
क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल जाता है। तो जब भी हमें एक्सिस चूज करना है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज में, और जहाँ पे हम क्लॉकवाइज मूव्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूव्स करना चाहते हैं, तो जनरली चूज द एक्सिस जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेज जा रही हैं। तो वो जो क्वेश्चन को काफ़ी सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब इस केस में दो पार्टिकल्स हैं, एक 4 kg का एक 1 kg है, कनेक्टेड बाय ए मासलेस रॉड, तो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट। लास्ट क्वेश्चन में हमने इसे 5 kg और 5 kg ले लिया था और उससे हमने सॉल्व कर लिया था कि कॉमन सेंस से आंसर बिल्कुल मिडल में आना चाहिए, तो हमें कॉमन सेंस का एक आंसर पता था। फिर हमने कंसेप्ट को यूज करके चेक किया कि कंसेप्ट को यूज करके जो आंसर आता है वो हमारे कॉमन सेंस आंसर से मैच करता है कि नहीं करता, वो आंसर मैच कर रहा था। अब जो है, अब हम वैल्यूज को चेंज कर देते, इसको हमने 4 kg कर दिया, इसे 1 kg कर दिया और ये कनेक्टेड है मासलेस रॉड से, और अब हमने इस सिस्टम ऑफ दीज टू पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। अब इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बोलें कि ये तो अगर रॉड से कनेक्टेड नहीं है तो क्या है, अगर रॉड से कनेक्टेड नहीं है तब भी यू कैन अज्यूम इट टू कनेक्टेड बाय मासलेस रॉड और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप बहुत सारे पार्ट जो कि इससे कनेक्ट नहीं है उनका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तो अब इसको अगर हमने बैलेंस करना है, तो अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने कहा सपोज यहाँ से एक्स, इससे एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है, तो इससे जो दूरी है 1 kg से पार्टिकल से, ये 10 - x हो गया और यहाँ से हम इसे कर रहे हैं, तो ये पॉइंट जो है इसके अबाउट हम मूवमेंट्स ले लेते हैं। वैसे तो अगर हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखें, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की अगर इक्वेशन हम लिखते हैं, तो इस तरफ कितना हो गया m इंटू जी 40 N हो गया, 1 × g, g को 10 m/s कर लिया तो 10 N हो गया, तो f जो हो जाए, अब क्योंकि ये वाई एक्स में ऊपर नीचे नहीं जा रहा है तो इसलिए समेशन ऑफ फोर्सेज अलॉन्ग वाई एक्स इज 0, दिस इम्प्लाइज एफ अपर फोर्स इज इक्वल टू 40 + 10 इज इक्वल टू 50 N हो जाएगी। उसके बाद हमने कहा कि दैट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम बॉडी, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट जिसके अबाउट नो ट्रांसलेशन नो रोटेशन, तो अगर यहाँ पर इसे बैलेंस कर रहे हैं तो इसके अबाउट नो रोटेशन ऑल्सो, तो अगर हम यहाँ पे टॉर्क अबाउट सी लें दैट शुड इक्वल टू 0, तो इसके अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये वाली जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये इसे इस तरह घुमाने की कोशिश कर रही है और ये फोर्स इधर घुमाने की कोशिश कर रही है, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्योंकि फाइनली ये इस तरफ, ये पूरा पूरा जो सिस्टम है ये इस एक्सिस पर सपोर्टेड है, ये एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हो गए। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इसका 10 फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन कितना है, 10 - x इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स 40 फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन कितना हो गया, x हो गया, कैसे हो गया, तो ये कितना हो गया 100 - 10x इज इक्वल टू 40x हो गया, तो 100 इज इक्वल टू 50x हो गया, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2 m हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 m आ गई, ये यहाँ से 2 m आया है और इसका मतलब यहाँ से कितना, ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 1 m हो जाएगा। ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर दो पार्टिकल्स हैं, एक भारी है एक हल्का है, वन इज इफ दे आर टू पार्टिकल्स और एक हैवी है एक उससे कंपेरिजन में ऑब्वियसली लाइटर है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है हैवियर पार्टिकल इधर ज़्यादा होगा, तो ये 2 m आया, ये 8 m आया, एंड दिस वे वी कैन कैलकुलेट। फ्रेंड्स अभी हमने जो है इसका डिस्टेंस निकाला 4 kg से 1 kg से, सी जी का अपने डिस्टेंस निकाला, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करती है 4 kg के रिस्पेक्ट में या 1 kg के रिस्पेक्ट में। अगर हम बोलें कि लेट्स से हमने यहाँ पे कहीं ऑरिजिन ले लिया 0 0 0 ले लिया, इसके रिस्पेक्ट में जो है अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और कैसे निकाल सकते हैं, अब उसको भी, तो मैथड इज सेम, बस इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा फर्क है, बट द कंसेप्ट इज सेम, एब्सोल्यूट सेम, नो डिफरेंस। अब हमने एक्स एक्सिस पर ये 1 kg है या 4 kg है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है 10 m है और हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं कैसे होगा। तो हमने कहा ये फोर्स यहाँ पर लग रही है, ये ऑरिजिन है, तो ये एम जी ये 40 N हो गया और ये कितना हो गया, पहले हमने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम उसके लिए इक्वेशन आ गई 40 + 10 इज इक्वल टू एफ आ गई, नीचे की फोर्स इज इक्वल टू ऊपर की फोर्स, दैट इज क्या कर रहे हैं हम, समेशन ऑफ फोर्सेज अलॉन्ग वाई एक्स इज इक्वल टू 0 किया है, नेट फोर्स अलॉन्ग वाई एक्स इज इक्वल टू 0 किया है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ पे वो है जहाँ जिस पॉइंट पर आप इसे बैलेंस कर सकते हो, नो ट्रांसलेशन नो रोटेशन, तो पहले हमारी इक्वेशन आ गई। उसके बाद में रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें, तो हम ये कर सकते हैं टॉर्क अबाउट जेड डैश
दैट इज अबाउट दिस एक्सिस नेट टॉर्क शुड बी इक्वल टू जीरो. इसके अबाउट अगर नेट टॉर्क जीरो है तो अब फोर्सेस क्या है, वन टू थ्री फोर चीजें. तो टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस एक्सिस जेड एक्सिस के अबाउट इसका टॉर्क तो जीरो ही हो जाएगा. क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसका लाइन ऑफ फोर्स एक्सिस से ही पास कर रहा है तो इसका टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट जीरो हो जाएगा. बाकी बच गए ये फोर्स और ये वाली फोर्स इधर रोटेट करने की कोशिश कर रही है, इधर रोटेट करने की कोशिश कर रहा है और ओवरऑल ये इस जेड एक्सिस के अबाउट भी ये रोटेट नहीं कर रही है. इसका मतलब क्या इक्वेशन हो गई? इसका मतलब एफ इसको एक्स ले लेते हैं, इस डिस्टेंस को एक्स ले लेते हैं. सो एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू, सो दिस इज 10 इंटू 10 एम जी, 10 इंटू 10 कर दिया हमने. तो यहां से एफ कितना है, एफ इज 15 न्यूटन. सो 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100. सो एक्स कितना आ गया, 2 मीटर आ गया. सो दिस वे ऑल्सो वी कैन